लोग आपके पीछे आपकी निंदा करेंगे, आप उसके बारे में मत सोचो, आपको जो लगता हो करो। चलो इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केलकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ, महाराष्ट्र में मुंबई अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। लोग दुखी रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि लोग अपने बारे में बात करते हैं, लोग अपने को लोगों ने अच्छा बोलना चाहिए, लोग मुझे ऐसा बुरा क्यों बोलते हैं। कहीं फिर लोग आपस में चुगली करते हैं तो तीसरा आदमी आके फिर आपको बोलता है कि वो आपके बारे में ऐसा बोल रहा था। फिर इधर हम डिस्टर्ब हो जाते कि उसने ऐसा उसको क्यों बोला। तो ये तो होने वाला ही है। हमारे एक दोस्त है, उन्होंने अभी पूना में उनका उनके लड़के को अच्छे मार्क मिले कॉम्पिटिशन में, तो उन्होंने क्या किया, अपने 15 लोगों को एक अच्छे होटल में पूना के खाना खाने बुलाया। अभी आप देखो 400 रुपए की वेज थाली और अच्छा खाना वो होटल में उन्होंने दिया, बिल्कुल बैठक वगैरह मार के उनको 400 रुपए की थाली है, पेट भर खाओ, जो मर्जी चाहे खाओ, इतने आइटम्स थे खाने के और बहुत ही बढ़िया खाना था, मतलब कोई सवाल ही नहीं, और वो फेमस होटल है खाने के लिए। अब वो होटल में खाना खाने के बाद में लोगों ने खाना पीना खाया, ढकार दिया, और बाहर आने के बाद में फिर जब घर पे जाने लगे तो दो लोग आपस में, उसमें के जो आए थे उसमें के दो लोगों ने आपस में बोला कि वो जो खाना था वो ठीक था वैसा, मगर वो जो दो स्वीट्स दिए उसके बदले वो 3 स्वीट दे सकता था। क्या लगा है, इसने थोड़ा सा 450 के बदले या 400 के बदले 450 की थाली बोलता था, वो शायद 3 स्वीट देता था तो और अच्छा मजा आता था, या फिर ये सब्जी के बदले वो सब्जी देता तो अच्छा रहता था। मतलब मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि वो जितना चाहिए उतना उसने खाना दिया नहीं, क्या फर्क पड़ता था, वहां 500 की भी थाली थी वो लेता था तो 400 की लिया थाली। ऐसा आपस में उनकी चुगलखोरी चालू, खाना तो फुकट में खा के चले गए और बाद में चुगली जिसके साथ में वो बातचीत कर रहा था उसने फिर उसको फोन करके बोला कि वो आदमी ऐसा ऐसा बोल रहा था। बोले मैंने लोगों को बुलाया, 15 लोगों को अपने एकदम क्लोज, और 400 रुपये परेड खर्चे किए, और उसके बाद में फिर आपस में बोल रहे कि 500 वाला क्यों नहीं दिया, 400 वाला क्यों दिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि लोग तो बोलते ही रहते हैं, लोग क्या बोलेंगे हम कंट्रोल, हमारा उसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है। लोग आपका ही खाएंगे और आपके बारे में उल्टा पुल्टा बोलेंगे, आपका कोई कंट्रोल नहीं है। और दूसरे ऐसे लोग हैं कि उसने उसको बोला, अभी तीसरे आदमी ने इसको आके क्यों बोलना चाहिए, और वो आके जानबूझ के बोलेगा क्यों, क्योंकि फिर आपस में आपके लग जाएंगे करके। मतलब कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि जानबूझ के बोलेंगे, अच्छा जो आके आपको बोल रहा है, मतलब इसको बोला जो आके कि वो तो 500 की थाली क्यों नहीं दिया, उसने एक्चुअली क्या बोला ये भी आपको मालूम नहीं, उसने क्या बोला, हो सकता है कि उसने बोला भी नहीं होगा, ये आके उसका नाम लेके बोल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इतना सारा सब चालू रहता है कॉन्वर्सेशंस, उसमें अपने दिमाग को बहुत तकलीफ हो जाती है। लोग तो कुछ भी बोलेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग टीका करेंगे, लोग आपके बारे में कुछ भला बुरा बोलेंगे, ऐसा नहीं करना चाहता, वैसा करना चाहिए था, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, उसको शोभा नहीं देता, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा काफी सारे लोग कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, आपको तो जीना मुश्किल हो जाएगा। आप एक ही कर सकते कि आपको क्या करना है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपका क्या टारगेट है, आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपका विजन क्या है, आप जो बिजनेस कर रहे हैं, आप जो प्रोफेशन कर रहे हो उसमें आप क्या करना चाहते हो, आप जो कर रहे हो वो लोगों को कैसे फायदे का हो जाएगा, आपका फोकस इसके ऊपर रहा। और हरदम आप लोगों के बारे में सोचेंगे, ठीक है लोगों को जो कहना है आपको, मैं तो मेरा मन साफ है और मुझे जो लगता हो मैं करूंगा, तो आपको तकलीफ होंगी नहीं। कुछ तो लोग बोलेंगे, लोगों का काम ही कहना है और टीका करना तो लोगों का काम ही है। लोग क्या है, मुंह पे आके आपको बहुत अच्छा बोलेंगे, बहुत ही अच्छा बोलेंगे, मुंह पे आपको ऐसा गदगद लगेगा कि वाह वाह बहुत ही अच्छा हुआ, क्या मैंने बहुत अच्छा काम किया। जैसे ही आपका मुंह पलट जाएगा आपके पीछे आपके बारे में बुरा बोलना चालू कर देते, तो ये तो हो जाएंगे, चिंता करने का नहीं है, आपको जो करना है वो करने का है, और जो लोग बोलते हैं उनको बोलने का है, बोलने देने का है, हमने उसमें डिस्टर्ब होने का नहीं है। बस ये आपको बोलना था, थैंक यू वेरी मच।